ऑन कैमरा बोले गलती हो गई मेरे से शादी करके। हाँ शायद कोई और मिल जाती, होर की बलाएं। कितने दिनों से पुष्पा मूवी देख रहे हो? ये कब का? कहाँ देख रहे छुपा छुपा के? क्योंकि अगर ये सामने फोन करते ना तो बाबू देखने लगती है, तो हम लोगों को छुपाना ही पड़ता है फोन वगैरह। अगेन माई वीडियो स्टार्ट विथ शॉपिंग। जो मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था, देखिए आप लोग भी क्या ऑर्डर किया है। ये देखो टी शर्ट, सब घर जाने की प्लानिंग हो रही है। कितना बड़ा पैकेट है इसमें टी शर्ट, देखने जरा कितनी बड़ी होगी। और ये एक शूज़ वूज मंगाए थे अमेजोन से, ये पड़े हुए हैं। और मेरा ये फ्लिपकार्ट से सूट मंगाया था तो ये पड़ा हुआ है, और दो आने बाकी है मेरे। इधर देखते हैं, देखो अब आपकी पसंद की हुई कि नहीं हुई। देखिए मुंह बनने लगा आपका, मुंह बनने लगा कि नहीं बना? बहुत चूजी है मेरे हस्बैंड, पता नहीं ये लड़की कैसे शादी कर ली मुझसे, पता नहीं क्या सोच समझ के। तब नहीं सोच रहे थे तो गलती हो जाती है। देख लो ऑन कैमरा बोले गलती हो गई मेरे से शादी करके। हाँ शायद कोई और मिल जाती, होर की बलाएं। खा जाओ इतना अच्छा है, अभी देखना, अभी देखना इनको, देखना अभी। गलती मतलब गलती से मिल गई तुम, ये मैं कह रहा हूँ। जरा बात मत पल, तो अभी कहते गलती से हो गई, ये बोला था। अभी देखना इसमें कितने नुस्खे निकालेंगे। एकदम फिट। दिखाओ, क्योंकि आप ना बहुत बड़े नौटंकी, हम जान गए आपको। जल्दी खोलो, हमारी लिट्टियाँ पक रही हैं उधर, जल गई तो जली वली खिलाएंगे आपको। बुलाया थोड़ी था मैंने। चुप रहो, जल्दी से खोलो दिखाओ। मैं अपने सूट्स की वीडियो कल बनाऊंगी जब तीनों आ जाएंगे मेरे पास। 1077 ब्लू 9 नंबर मंगाया था। बताओ इसमें भी कुछ। ये देखो ब्लैक दे दिया क्या? ब्लैक है ब्लू? वेरी कंफ्यूजन कि ब्लैक है कि ब्लू। इधर मेरी ये लिट्टियाँ पक रही हैं, चोखा तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, बेबी सो गई है बहुत मुश्किल से। ऑफ टर्न हो जा, लो इनकी वजह से जल गई। मुझे लिट्टी चोखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगती है, बट मैं मैनेज कर ही लेती हूँ कैसे ना कैसे। जैसे कि बेसन को भूनना है तो बहुत पहले भून दिया, फिर आटा गूंद दिया, फिर ऐसे चलता रहता है, फाइनली बन जाता है। और ये देखो चोखा भी साथ में बन ही गया है। चलो अपने हस्बैंड के पास चलते हैं। तो रबर बैंड क्या हुआ? तो ये देखो हमारी थाली रेडी हो गई है। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड आज बहुत दिन के बाद एक साथ खाने वाले, मींस एक ही थाली में खाने वाले, क्योंकि बेबी आने के पहले ना हम लोग हमेशा इसी थाली में खाते थे दोनों लोग मिल के और एक साथ। बट अभी बेबी है तो देखना पड़ता ना, एक एक लोग खाते, एक एक लोग की वो सोच, एक लोग खा ले फिर दूसरा बेबी के पास बैठे, फिर दूसरा खाए, फिर बेबी के पास मैं बैठूँ, मतलब ऐसे होता रहता है ना, एक्सचेंज करते रहते हैं हम लोग ड्यूटी। तो आज बेबी सो रही थी, सोचा साथ में खा लेते। और आप लोग देख रहे होंगे अचार है, सैलड है, थोड़ा सा लिट्टी है, चोखा है, सब कुछ गर्मा गर्म है, मस्त बहुत। मेरे हस्बैंड यहाँ पे सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार कार से जाने वाले हैं, तो कार में के गाने तो बजेंगे ही ना, तो वही बहुत टाइप के पुराने और न्यू सब कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। देखो बैठे हुए, रात के 11 बज गए हैं। और कॉली नागिन के जैसे जुल्फे थे, ये वाला कर लो। तो वही सब डाउनलोड कर रहे हैं। मैं दूर से छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ। ये देखो सारा सामान जो नीचे पड़ा ये सब ले जाना है, और एक ट्रॉली बैग यहाँ दिख रहा होगा शायद, पता नहीं। और एक ट्रॉली बैग अंदर रखा हुआ है, सबको सामान सेट करना, अभी तो बस उलझा उलझा से पड़ा हुआ है। रात के 12-1 बज रहे हैं, इसको तो नींद ही नहीं आती है। मेरे हस्बैंड गए थे दूसरे रूम में सोने के लिए, मैंने कहा वहीं सो जा के ऑफिस भी आपको मॉर्निंग में जाना है, गए थे वहाँ। और ये इतना चिल्ला रही भयंकर वाला, तो फिर वापस वो आ गए यहाँ, और अब ये देखो उनको देख रही है आराम से। डेली ऐसे ही रोता है, और जैसे भी फोन देखेगी बस एकदम साइलेंट, कुछ नहीं रोएगी फिर। हाँ देखो देखो देखो, ये रो रही थी अभी स्टार्टिंग में, देखा होगा ना कितनी तेज चिल्ला रही थी। बहुत नौटंकी है इस लड़की के पास, रात के 2-3 बजे तक सोती है। जैसे ही मेरा फेस देखेगी चिल्लाने लगेगी भयंकर वाला, और जैसे उनका देखेगी चुप हो जाएगी, पता नहीं क्या है। और अभी तो फोन देख रही, तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रही वैसे भी।
प्यारे भी बाबू हो आप, इतने प्यारे बाबू हो फिर भी आप रोते हो। अच्छी बात नहीं है ना बाबू रोना। रात हो गई है बाबू, 12 बज गया है बाबू। हाँ 12 o'clock। अभी तो 2 कहाँ बजा, 2 बजे सोएगी ना वो। आप जानते हो 12 o'clock क्या होता है? हाँ जानते हो ना। हाँ सब जानते हैं। बाबू सोया जाता है फिर रात में। इनको इतना अच्छा मौका दे रहे आराम से, उधर सो जाके नहीं जा रहे, इधर ही पसंद है। फिर वो पता है क्यों चिल्ला रही, सिर्फ सोने के लिए रो रही है। आप फालतू में टेंशन लेके आ जाते हो। तुम परेशान हो। मैं नहीं परेशान हो रही हूँ। हाँ तो हम फेंक देंगे उसको क्या? जबरदस्ती बोल देते कुछ भी। ये वहां से उठ उठ के भाग आते, बोल रहे कि तुम गुस्से में गए, उसको फेंक वेक दो। तो क्या मैं उसको फेंक थोड़े ना दूंगी, गुस्सा भले कर लो, है ना बेबी? आप सोते ही नहीं हो, ने खेले तो कोई बात नहीं। वो चिल्लाती है, इतना ज्यादा चिल्लाती है कि आंसू बहा बहा के, और इतना इतना सारा चिल्लाती कि इधर पड़ोसी जो है हमारे विंडो से जस्ट उनके अटैच्ड है पीछे बेडरूम, तो वो बोलते यार तुम्हारी बेटी कितना रोती है। इसकी वीडियो तो छुपा छुपा के ही बनानी पड़ती, नहीं तो ये फोन देखने लगती है ना। हाँ कितने बबल्स निकालती है। और ये रूम में अंधेरा है ना। अंधेरा क्या मतलब, मैंने जो है ना छोटी वाली लाइट जलाई थी सोने के लिए, बड़ी वाली बंद कर दी थी, तो देखो कैसा अंधेरा अंधेरा सा रूम लग रहा है। हम लोग भी अंधेरे में दिख रहे हैं, क्लियर नहीं वीडियो आ रही है। तेरी नजर क्या था ए? तेरी नजर सरफ भूल ही कर ले। और इतनी भूख लग गई थी तो ये देखो मेरा हाथ पकड़े छोड़ नहीं रही है। इतनी भूख लग गई थी तो इधर कटोरी में कहाँ गई, ये कहीं कटोरी है, तो यहाँ पे हलवा लाए थे गर्म करके खा लिया, वो बैठे हैं अभी। और ये मेरा हाथ इतनी टाइट से पकड़े, छोड़ 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 ही नहीं रही है। बहुत तेज पकड़ती है ना, बड़ी हो गई है। हाँ बेटू सो जाओ, आपको क्या सुबह घोड़ा बेच के सो लोगे? हम लोगों को तो उठना होता है ना। फालतू में इतना सारा रो रही थी, मैं गोदी लिए थी इसको, चुप करा रही, लेकिन चुप ही नहीं हो रही। अब जब लिटा दिया तो ठीक है। बेबी के साथ डेली डेली इतनी रात तक जगती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हेडेक सा होने लगता है, क्योंकि मन करता बस रेस्ट कर लूँ, बट जैसे ही लेट जाती हूँ तुरंत रोने लगती, क्योंकि उसके सामने बैठे ना तो देखती रहती कि हाँ कोई है, और जब कोई नहीं दिखता तो बस उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, और नींद भी आ रही, आपको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा। बट क्या करूँ, जब तक वो छोटी है तो यही सब तो चलता रहेगा, जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है। तो बस आई होप कि आप लोगों के छोटा सा व्लॉग अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।